स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आरती धारीवाल आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मवाना क्लासेस पर। इससे पहले हमारी दो क्लासेस हो चुकी है हिंदी की और आज हमारी तीसरी क्लास है और आज हम पढ़ेंगे स्वर के उच्चारण स्थान और व्यंजन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास स्वर के उच्चारण और व्यंजन के बारे में। तो कल हम जो हमने लास्ट क्लास थी हमारी उसमें थी हमारी लास्ट क्लास में हमने स्वरों के बारे में पढ़ा था, स्वरों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे स्वरों का उच्चारण स्थान। आज हम पढ़ेंगे स्वरों का उच्चारण स्थान। मैंने आपसे बताया था जब हम स्वरों के बारे में बात करते हैं तो जो स्वर होते हैं हमारे वो 13 होते हैं, लेकिन जब हम उनको वर्गीकरण करते हैं और जब हम उनके उच्चारण स्थान की बात करते हैं तो वो हमारे कितने हो जाते हैं, हमारे 11 के बारे में बात कर रहे थे, 11 के बारे में बात करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं और शुरू करते हैं हमारे स्वरों के बारे में। तो देखिए जो स्वर होते हैं हमारे 11-13 होते हैं, वैसे तो कुल अगर पूछा जाए तो होते हैं आपके कुल होते हैं आपके 13, और अगर पूछा जाए तो कितने होते हैं तो आपको बताना सामान्यतः या मूलतः होते हैं आपके 11 स्वर। तो उन 11 स्वरों के बारे में बात कर रहे हैं और उनके उच्चारण स्थान के बारे में बात कर रहे हैं। तो भाई आपने पढ़ा है अ, जो हमारे उच्चारण स्थान होता है, इन स्वरों का उच्चारण स्थान होता है हमारा कंठ। क्या होता है? हमारा कंठ होता है, ठीक है जी, ये होता हमारा कंठ। आप देख सकते हैं आप जब बोलते हैं इन स्वरों को तो आपको क्या लगता है, आपका जो गला है यानी कंठ यानी गला होता है और गले पे एक वाइब्रेशंस होती हैं तो आप महसूस करते हैं जो वाइब्रेशन हो रही है स्वर तंत्र में वो आपका क्या है, कंठ है। फिर आते हैं हमारे ई और ई, जो इनका उच्चारण स्थान होता है वो होता है हमारा तालु। तालु, अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि तालु क्या होता है। भाई देखो तालु होता है मुंह के भीतर की छत का पिछला वाला भाग, ठीक है, मुंह के छत की छत सॉरी मुंह के छत का पिछला भाग जो होता है हमारा वो होता है हमारा तालु। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ, अगर गाजर है, गाजर को हम जब काटते हैं जब टक देसी लगती है तो कहाँ लगती है, वो तालु वाला पार्ट होता है जिसमें हमारे गाजर कटते ही टक देसी जो लगती है वो होता हमारा वो तालु होता है। फिर आता हमारा ई ई आता है, फिर उसके बाद क्या आता हमारा ऊ ऊ। ऊ ऊ जो होता है आप देख रहे हैं हम जब बोल रहे हैं उच्चारण कर रहे हैं उसका, तो होता हमारा ऊ ऊ यानी ओस्ट होता है, ठीक है। क्या होता हमारा? ओस्ट होता है, ठीक है जी। फिर बात करते हैं री की। री के बारे में मैंने आपको बताया था। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो री होता है ये आपका संस्कृत का होता है। काहे का होता है? संस्कृत का होता है। हाँ होता है संस्कृत का, लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, संस्कृत से हमने 60% जो शब्द है वो संस्कृत से लिए हैं, जैसे कि आपका व्रत, पृथ्वी। भाई ये जो मात्रा है, ये जो मात्रा है आपकी काय की है? री की तो है ये मात्रा, तो इसलिए हम नहीं कह सकते इसको। तो ये हमारा जो होगा ये हमारा संस्कृत से हुआ है, लेकिन हिंदी में गिना जाता है क्योंकि ये स्वर होता है, ठीक है, और स्वर की मात्रा होती है हमारी ये वाली, और इसलिए जो शब्द होते हैं वो हमारे हिंदी के होते हैं यानी कि तद्भव के होते हैं। अब जो री है, री का जो उच्चारण स्थान होता है वो दंतमूल, दंत मसूड़ा, और होती है हमारी मूर्धा, और होता है हमारा वर्तस्य, ठीक है जी, हमारा वर्तस्य। वर्तस्य जो होता है उच्चारण स्थान का वर्ग स्थान होता है, ठीक है, मतलब जो दंत मूल है यानी कि जो अगला वाला जबड़ा होता है हमारा, जो जबड़ा होता है हम उसकी बात कर रहे होते हैं। जब हम इस री का उच्चारण करते हैं तो री नहीं बोलते, हम बोलते हैं री। तो जो री उच्चारण होता है हमारा वो इसका सही उच्चारण होता है, इस री का बिल्कुल सही उच्चारण होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं हमारे कौन से आ जाते हैं, हमारे ए और आय आ जाते हैं, ए और आय आ जाते हैं। इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है हमारा कंठ तालु। कंठ प्लस तालु होता है, इसे हम कह सकते हैं कंठ तालव्य, इसे हम कह सकते हैं कंठ तालव्य। और जब हम बात करते हैं हमारे अगले स्वरों के बारे में तो वो होते हैं हमारे ओ और होते हैं हमारे औ।
जब हम इनकी बात कर रहे हैं करते हैं तो हमारे जब ओ और अव की बात करते हो, आप महसूस कीजिए कि जब आप ओ और अव के उच्चारण करते हैं तो कहाँ से निकलता, गला और आपके होंठ। और ऐसे हमारा ए और ए के बारे में था तो हमारा कंठ और हमारा तालू दो जगह से काम करे। जब आपने बोला ए आए तो आपको क्या लगा, ए और आए, तो आपने देखा गला और तालू दोनों पे सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, इसलिए हमारे जो उच्चारण स्थान होगा इनका कंठ प्लस तालू, और इसको कहा जाता है कंठ तालव्य। ऐसे हमारे ओ और अव होते हैं, जब इन्हें बोलते हैं, जब इनका उच्चारण करते हैं, तो हम जब इनका उच्चारण करते समय हमारा कंठ यानी गला और हमारा यानी कि ओष्ठ दोनों काम करते हैं, यानी ओठ हमारे जो काम करते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है कंठ प्लस ओष्ठ, और इन्हें कंठोष्ठ भी कहा जाता है, कंठोष्ठ भी कहा जाता है, ठीक है, इन्हें कंठोष्ठ भी कहा जाता। तो ये हमारे स्वर हैं और इन स्वरों का जो उच्चारण स्थान है वो हमारा इस तरीके से होता है। मैंने आपको बताया अ अ का होता है कंठ, ई का होता है तालू, तालू का मतलब होता है मुंह की जो छत है उसका जो पिछला वाला भाग है वो, हम ऊपरी जबड़े की बात कर रहे हैं निचले की नहीं, इसलिए कहा जाता है मुँह की छत का जो पिछला भाग होता है वो होता है हमारा तालू। फिर ओष्ठ की बात करें, ऊ हमारे ओष्ठ बोले जाए, री जो होता है री का जब उच्चारण करते हैं तो कुछ लोग काफ़ी गलत उच्चारण करते हैं, इसका सही उच्चारण होता है री, यानी कि जब हमारी जीभ वाइब्रेट करती हुई थोड़ा दांत से पहले रुक जाती है उसे कहते हैं हम री। फिर ए आई मैंने आपको बताया कंठ और तालू होता है, इसलिए इसे कंठ तालव्य कहा जाता है। ओ और औ यानी कंठ और ओस दोनों से बोला जाता है, इसलिए कंठोष्ठ कहा जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं व्यंजन की, क्योंकि हमारे स्वर यहाँ पर पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि हमने स्वरों के बारे में सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, हमने भाई स्वर के बारे में पढ़ लिया, स्वर क्या होते हैं, स्वर कितने होते हैं, स्वर का जो भी पार्ट है हमने वो सब पढ़ लिया है। चलिए अब हम बात करते हैं व्यंजन के बारे में, व्यंजन क्या होते हैं। ये होता हमारे व्यंजन, व्यंजन क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, और जो व्यंजन होते हैं व्यंजन को हम स्वर की मदद से बोलते हैं, यानी स्वर की सहायता से बोलते हैं। मैंने आपको बताया वे वर्ण, या कहूँ वर्णमाला के वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है, व्यंजन कहलाते हैं। अब मैं आपसे बात करूं, मैंने आपको बताया था व्यंजन कौन से होते हैं, क से लेकर के जय जाने तक जो हमारे होते हैं वो हमारे सभी जो होते हैं हमारे व्यंजन होते हैं। अब हम बात करेंगे व्यंजनों की, कि व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे करते हैं और हमारे जो व्यंजन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं, यहाँ पर हमने बताया कि व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन वो होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं, और व्यंजन का जो शुद्ध रूप होता है वो होता है आपका हलंत का लगा हुआ ना। व्यंजन का शुद्ध रूप होता है हलंत का लगा होना, जैसे कि आपका व्यंजन है आपका क, क का अर्थ होता है आधा, यानी कि ऐसा। अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसे बोल कर देखिए, क्या आप इसे स्वर की मदद के बोल सकते हैं, बोल के देख लिए, आपने बोला क, तो आपने जब क बोला तो उसमें आ का उच्चारण आ रहा है, यानी अ हमारा क्या है, स्वर। और हमने परिभाषा क्या दी है व्यंजन की, व्यंजन वे होते हैं जो स्वर की मदद से बोले जाते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही प्रूफ होती है कि हम जो है व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या होगा, हम इसको जब हम इसमें हमारा जब स्वर ऐड होगा, यानी कि जब हमारा अ यानी जो स्वर है वो ऐड हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, ये पूर्ण रूप से क बन जाएगा। जैसे कि हम वर्णमाला देखते हैं, जब वर्णमाला देखते हैं, हम छोटे बच्चों की वर्णमाला देखते हैं,
आप उसमें देखते हो ऊपर स्वर होते हैं, नीचे व्यंजन होते हैं। जो पूरे व्यंजन होते हैं क से लेकर ज्ञ ज्ञ तक आपने देखा वो पूर्ण इस तरीके से होते हैं, बिल्कुल ऐसे लिखे होते हैं, ना कि इस तरीके से हलंत लगे हुए नहीं देखे होंगे आपने। आपने क्या देखा वो पूर्ण रूप से लिखे होते हैं। मतलब क्या है, उनमें स्वर का उच्चारण होता है तभी बच्चे इसे पढ़ते हैं, क ख ग घ इस तरीके से उनको पढ़ते हैं। तो चलिए हम आगे बात करते हैं कि स्वर हमारे कितने प्रकार के होते हैं और उनके बारे में क्या क्या। चलिए तो हमारे जो पहले व्यंजन आते हैं वो आते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन। जो पहले व्यंजन आते हैं वो आते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन वे होते हैं जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी ना किसी भाग को छूकर निकलती है, उन्हें कहते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन होते हैं हमारे, जैसे मैंने जैसे आपको बताया कि वे वर्ण या वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी ना किसी भाग को छूकर निकलती है वो होते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन हमारे कहाँ से होते हैं? क से लेकर म तक होते हैं, यानी कि हमारे होते हैं वो 25। क से लेकर माँ तक जो होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे, इनकी संख्या होती है हमारी 25। ठीक है जी, ये हमारे 25 होते हैं। जब मैं बात करती हूँ क से लेकर माँ तक, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क से माँ तक हैं तो हम इन्हें याद कैसे करें। तो इसके लिए एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक होती है, हाँ बाय ट्रिक हम यूज करते हैं कचट तप। कचट तप ये आपकी छोटी सी ट्रिक होती है जिसके माध्यम से आप इनको याद कर सकते हैं। देखिए कैसे, आपने लिखा कचट तप, आप इनके आगे के वर्गों के बारे में लिख लीजिए। कैसे? क कबूतर, ख खरगोश, ग गमला, घ घड़ी, आने खाली। ठीक है, फिर च चम्मच, छ छतरी, ज जहाज, झ झंडा, इया टे टमाटर, ठे ठटेरा, डे डमरू, ढे ढक्कन, आने खाली। ठीक है, त तरबूज, थ थर्मस, द दवात, ध धनुष, न नल। ठीक है, प पतंग, फ फल, ब बकरी, भ भालू, म मच्छी। आपको ये बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, बस आपको क्या याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है जिसे हम कहते हैं कचट तप। आपको 25 के 25 आराम से याद हो जाएंगे। कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें याद नहीं होते, तो उन्हें याद करने के लिए बहुत छोटा सा फॉर्मूला कचट तप याद रखिए। क ख ग घ ड, च छ ज झ या, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। तो इस तरीके से आपके 25 के 25 आपको आराम से याद हो जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं इनके बारे में कि ये कैसे होते हैं। अब यहाँ देखिए, मैंने कहा आपको कचट तप, तो भाई जब ये फैमिलीज हैं, ये पूरी की पूरी फैमिलीज हैं इस तरीके से, तो इनको हम कहेंगे वर्ग। इनको हम कहेंगे इस तरीके से, हम कहेंगे इनको वर्ग। तो इस वर्ग का जो मुखिया था वो था ये, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया? क वर्ग। इसको हमने नाम दे दिया क वर्ग। इस परिवार का मुखिया था ये, तो इसे हमने नाम दे दिया च वर्ग। इस परिवार का मुखिया था ट, तो हमने इसे नाम दे दिया ट वर्ग। और इस परिवार का मुखिया था त, तो इसे हमने नाम दे दिया त वर्ग। और इस परिवार का मुखिया था प, तो इन्हें हमने नाम दे दिया प वर्ग। चलिए ये तो हमारी बात होगी वर्गों की, फिर हम बात करते हैं इनकी। भाई जब परिवार में एक मुखिया है तो एक छोटा बच्चा भी होगा, तो हमारे जो बच्चे होते हैं वो होते हैं हमारे ये होता हमारे परिवार के छोटे बच्चे। जब हम इनकी बात करते हैं तो ये होते हैं, इन्हें कहा जाता है अनुनासिक, यानी कि नाक और मुख से बोले जाने वाले व्यंजन। ठीक है, तो इसलिए इन्हें कहते हैं हम अनुनासिक। एक नाम और होता है इनका जो बड़े फेमस होते हैं, जिन्हें कहा जाता है पंचमा अक्षर। पंचमाक्षर कहा जाता है इन्हें। पंचमाक्षर क्यों कहा जाता है? क्योंकि पांच अक्षर होते हैं जो एक साथ होते हैं, यानी कि जो नाक और मुख दोनों से उच्चारित होते हैं, इसलिए इन्हें पंचमाक्षर कहा जाता है, यानी नाक और
मुख से इनका उच्चारण होता है और ये होते हैं हमारे पांच, ठीक है। ये जो पांच होते हैं हमारे इस 25 के अंदर होते हैं। चलिए अब इनकी बात हो गई, अब बात कर लेते हैं हम इनके उच्चारण स्थान की। क वर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है, इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो देख लीजिए आप, और उस उच्चारण स्थान जो है उस वर्ग का नाम क्या होगा। उच्चारण वर्ग का नाम देखिए भाई, जब आप इनको बोल रहे हैं, इनको उच्चारित कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं आप, क ख ग घ ड, ठीक है। तो आपने क्या देखा, आपका गला यानी कि आपका कंठ वाइब्रेट हो रहा है, यानी वहाँ पर सबसे ज़्यादा कंपन महसूस कर रहे हैं आप। तो आपका जो होगा ये क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा कंठ हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका कंठ हो जाएगा, ठीक है। अब जब इस वर्ग को नाम दिया जाता है तो इस वर्ग को नाम दिया जाता है कंठय, क्या नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है हमारा कंठय। ऐसे हमारा च वर्ग आता है, जब हम च की बात करें तो आप देखिए बोल कर देखिए, अगर आपको नहीं भी पता चला आप इन वर्णों का या इन व्यंजनों का उच्चारण करके देख सकते हैं कि आपका जो उच्चारण हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है। आप बोल के देखिए, च छ ज झ इया, तो आपने क्या देखा, आपका तालु सबसे ज़्यादा कंपन कर रहा है, या यूँ कहूँ तालु सबसे ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, तो आपको जो उच्चारण स्थान होगा वो होगा आपका तालु, तालु होगा। और इस तालु को हम क्या कह सकते हैं, तालव्य, जो उसका वर्ग का नाम होगा, उच्चारण स्थान का वर्ग का नाम होगा वो होगा आपका तालव्य, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ट वर्ग की। आपने बोला ट ठ ड ड ण, आपने क्या देखा, आपकी जो जीभ है वो दांत की तरफ जाती है और वहीं जाकर आपको बार बार क्या करती है, वहीं जाकर वाइब्रेट होती है, तो वो आपका पोर्शन क्या है, वो है आपका मूर्धा। और इस मूर्धा का जो स्थान होगा वो होगा आपका मूर्धन्य, मूर्धन्य, या हम इसे वर्तस्य भी कह सकते हैं, ठीक है जी, वर्तस्य भी कह सकते हैं, ठीक है। वर्तस्य, हाँ देखिएगा जब इसका उच्चारण करते हैं ना, वर्तस्य जब बोलते हैं तो जो र है, जो मात्रा वाला र, ये आपका यहां आएगा वा के तुरंत बाद, ठीक है, वा के तुरंत बाद आएगा, ना कि य के बाद में आएगा, ठीक है। चलिए फिर आता हमारा त वर्ग, त थ द ध न, जो ये होता है हमारा त थ द ध न, आपको सिंपल सा पता चल रहा है कहाँ हो रहा है, हमारा दंत से हो रहा है, तो ये होगा हमारा दंत, और इसका जो हमारा उच्चारण स्थान होगा वो हो जाएगा हमारा दंतय, ठीक है जी। फिर आ जाता है हमारे प फ ब भ म, ये होता है हमारा ओष्ठ हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, हम इसे ओष्ठे भी बोल सकते हैं, जो हमारा जो इसका उच्चारण स्थान का वर्ग नाम हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ओष्ठ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं वो इस तरीके से आप आराम से उन्हें याद कर सकते हैं। मान लीजिए प्रश्न पूछ लिया आपसे, उसने प्रश्न आ गया आपके लिए कि निम्न में से क वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए, तो आपको दे दिया उसने तालु, दूसरा दे दिया कंठ, तीसरा मूर्धा, चौथा कोई नहीं, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे हमारा क है, यानी क से क्या याद रख लेगा आप, कंठ, तो आपका हो जाएगा राइट आंसर कंठ। तो इस तरीके से हम जो चीज़ें हमें पूछी जाएंगी, क्वेश्चन है इस तरीके से पूछे जाएंगे कि जो अण होता है ये किस वर्ग का होता है, तो आप बताएंगे कौन से वर्ग का है, ट वर्ग का होता है, या वो वही पूछ लेगा कि ण वर्ग के वर्ग का नाम क्या होता है, तो ण का जो होता है वो मूर्धन्य वर्तस्य होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आप इसको जितना ईजिली याद कर सकते हैं आप उसे याद कीजिए। शॉर्ट ट्रिक होती है आपकी क से लेकर म तक याद नहीं हो पा रहे हैं, कचट तब याद रखिए, क वर्ग के आपको याद आ जाएंगे, च वर्ग के आपको याद आ जाएंगे, ट वर्ग के आपको याद आ जाएंगे, त वर्ग के आपको याद आ जाएंगे, और प वर्ग के भी आपको आराम से याद आ जाएंगे। चलिए तो चलिए हम आगे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट व्यंजन की।
तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट व्यंजन की, जिसे हम कहते हैं अंतस्थ या अर्धस्वर व्यंजन। तो दूसरा होता है हमारा अंतःस्थ व्यंजन। अंतस्थ यहां कह सकते हैं हम अर्धस्वर व्यंजन, अर्धस्वर व्यंजन। यदि हम इस व्यंजन के बारे में बात करें, तो ये जो व्यंजन होता है, इस व्यंजन में क्या होता है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण, या सॉरी जिन वर्णों या जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जो हवा होती है वो मुख के किसी भी भाग को छूकर नहीं निकलती, या यूँ कहूँ कि बहुत कम हवा को छूती है, तो वो जो हमारे होते हैं वो अंतस्थ व्यंजन होते हैं। या यूँ कहूँ कि जो जीभ है, सॉरी गलत हो गया, ठीक है स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट व्यंजन की, जो होता है हमारा अंतस्थ या अर्धस्वर व्यंजन। जो ये व्यंजन होता है, अगर हम इसकी बात करें, तो अंतस्थ व्यंजन वो होता है जो मुख के, जब जीभ मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती, तो वो होता है हमारा अंतस्थ व्यंजन। और अर्धस्वर की बात करें, तो अर्धस्वर वो होता है जो हमारे, जब जिनका जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमें थोड़ा सा स्वर का सा आभास होता है, वो होते हैं हमारे अर्धस्वर व्यंजन। आज आइए हम बात करते हैं जो अंतस्थ व्यंजन है उनके बारे में कि कैसे होते हैं। तो पहला होता है हमारा, ये हमारे जो होते हैं, ये हमारे चार होते हैं, य र ल और व। य जो होता है, यह होता है आपका तालु से, य जो होता है आपका तालु से होता है, ठीक है। य जो होता है आपका तालु से होता है। र होता है आपका र, आप बोल के देख सकते हैं, र कहाँ से होगा आपका, होगा दंत मूल से, र होगा आपका दंत मूल से। ल आपने बोला ल, तो आपने देखा मसूड़े के आसपास इसका उच्चारण होता है, क्या होगा आपका मूर्धा, ठीक है मूर्धा, ठीक है। फिर व आपका हो गया व, आपने बोला व दांत और ओष्ठ दोनों काम कर रहे हैं, तो क्या हो गया आपका दंतोष्ठ, क्या हो गया आपका दंतोष्ट। तो ये हमारे चार होते हैं, और ये चारों के चारों होते हैं, ये होते हैं हमारे य र ल व। अब हम बात करते हैं अर्धस्वर की। जो अर्धस्वर होते हैं वो होते हैं हमारे, अर्धस्वर जो होते हैं वो होते हैं हमारे दो, जिसे हम कहते हैं य और व। ये दोनों हमारे अर्धस्वर होते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमें हल्का सा स्वर का सा आभास होता है, क्योंकि स्वर जो होते हैं थोड़े स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। जब आप इनको उच्चारित करते हैं तो क्या होता है, हल्का सा उसमें क्या होता है, आधा स्वर कहा जाता है, क्योंकि इनमें हल्का सा क्या होता है, स्वर का सा आभास होता है, स्वर की तरह होते हैं, स्वर की तरह उच्चारित होते हैं हल्के से, इसलिए इन्हें अर्धस्वर कहा जाता है। अब देखिए, र जो है, र को कहा जाता है लुठित वर्ण, र को लुठित वर्ण कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम इसे बोलते हैं तो जो हमारी जीभ है, जब मुंह के बीच में आती है, तो क्या होता है कि वो थोड़ा सा हमें बेलन की तरह उसको घुमाना पड़ता है। कैसे, देखो आपने बोला र, तो आपने जब र बोला, तो जब आपकी जीभ थी वो आगे की साइड थी, जब बोला र, तो आपने जब र बोला तो आपकी जीभ थोड़ी सी क्या होगी, बेलन की तरह इस तरीके से हुई। जब बेलन ऐसे घूमता है तो बिल्कुल आपकी जीभ कैसी हुई, लुठित, इसलिए इसे लुठित कहा जाता है। चलिए, बेलन की तरह आपको इसको घुमाना पड़ता है अपनी जीभ को, जब बीच जीभ जो होती है मुंह के बीच में आती है, तो इसलिए इसे लुठित वर्ण कहा जाता है। फिर आज आपका आता है ल, ल को आप पाशर्विक वर्ण कहते हैं, ल को पाशर्विक वर्ण क्यों कहते हैं। पाशर्व का मतलब होता है, पाशर्व एक तरह की शेप होती है, जैसे हम ल बोलते हैं, हमने बोला ल, ठीक है हमने बोला ल, तो आपने जब बोला ल, तो ल में हल्का सा जीव में आपका एक आगे की तरफ को हल्का सा घुमाव आ जाता है, जो इस तरह की शेप बनाता है, ठीक है जी। जब आप उसको सामने से देखोगे जो जीव है, तो वहाँ से क्या होगा, जो आपकी हवा होगी अगल बगल से निकल जाएगी, जो हवा होगी आपके यहाँ से और इधर से दोनों साइड से निकल जाएगी। तो जब हवा यहाँ दोनों से निकल गई, तो एक पार्श्व शेप बन जाती है, जिसे हम कहते हैं पार्श्विक। तो इसका मतलब होता है, जब इस वर्ण का उच्चारण किया जाता है तो जो जीभ होती है वो अगल बगल से निकल जाती है, इसलिए इसे पार्श्विक वर्ण कहा जाता है, ठीक है। ये हमारे अंतस्थ यानी अर्धस्वर व्यंजन होते हैं। चलिए हम आगे की बात करते हैं, आगे हमारे कौन से व्यंजन आते हैं। आगे हमारे व्यंजन आते हैं तीन प्रकार, तीसरा प्रकार आता हमारा ऊष्म व्यंजन। चलिए हम ऊष्म व्यंजन के बारे में बात कर लेते हैं।
चलिए, तो हमारा तीसरा आता है ऊष्म व्यंजन, या यूं कहूं कि संघर्षी व्यंजन जो होता है हमारा, ये होता है संघर्षी व्यंजन। ठीक है, जब हम इस व्यंजन की बात करते हैं तो इस व्यंजन को हम कैसे परिभाषित करेंगे, कि हम कह सकते हैं कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुंह, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुंह में या मुंह से रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है या ऊष्मा बाहर निकलती है, तो वो होते हैं हमारे ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, ये भी हमारे पास चार होते हैं। होते हैं कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। एक होता है हमारा श, श, स और हमारा ह। ठीक है, जो ये जो स है इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है तालु। ठीक है, इसका उच्चारण स्वर तालु, इसका होता है मूर्धा, इसका होता है हमारा दंत और ह का होता है हमारा कंठ। ह का हमारा होता है कंठ। कैसे होता है कंठ, देखिए आपने बोला ह, आपने जब अभी मैंने जो इससे पहले पढ़ाया था मैंने बताया था अंतस्थ, तो जो विसर्ग का चिन्ह होता है, ये जो विसर्ग का चिन्ह होता है ये ह का उच्चारण करता है, यानी अंतः दुख। तो आप जब बोलते हैं दुह, तो दुह यानी दुख, तो जब आप बोलते हैं दुख तो क्या होगा, आपका जो विसर्ग है ये ह का उच्चारण करता है जो कि हमारे कंठ से निकलता है। ठीक है, चलिए, तो श होता है हमारा तालु से। तालु मैंने आपको बताया कि मुंह के अंदर की छत का पिछला भाग होता है हमारा तालु, और जो श होता है ये होता है हमारे मुंह की छत का अगला वाला भाग होता है। स हमारा दांत से उच्चारित किया जाता है और हाँ हमारा कंठ से उच्चारित किया जाता है। चलिए, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे संयुक्ताक्षर के बारे में, जो हमारे संयुक्ताक्षर होते हैं। संयुक्ताक्षर जिन्हें हम कहते हैं, यानी कि संयुक्त अक्षरों से मिलकर बने हुए व्यंजनों को हम संयुक्ताक्षर व्यंजन कहते हैं। इन्हें एक नाम से और जाना जाता है, हम इन्हें कहते हैं मिश्र व्यंजन या मिश्र वर्ण भी कहते हैं, मिश्र व्यंजन। ठीक है, या मिश्र वर्ण भी कह सकते हैं, एक ही बात होती है इन्हें कहने के लिए। चलिए, ये भी हमारे पास चार होते हैं। हमारे कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं हमारे छ क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी, इसको ज्या उच्चारित किया जाता है शुद्ध हिंदी में, ज्या। ठीक है, और एक होता है हमारा श्र, श्रमिक। चलिए, आप हमने बात तो कर ली संयुक्त होते हैं, यानी कि दो व्यंजनों से मिलकर बने हुए व्यंजन को जो कहते हैं वो संयुक्ताक्षर कहते हैं, यानी मिश्र व्यंजन कहते हैं। मिश्र का मतलब है दो अलग अलग वर्णों का सम्मिलित रूप जो होता है वो हमारा मिश्र का होता है, यानी उन्हें वर्ण भी कहते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे कैसे कैसे हमें मिले हैं या किन किन रूप से मिल गया। क यानी कि आधा होता और यहाँ छ था, जब इन दोनों में मिलाप हुआ तब जाकर हमारा ये छ क्षत्रिय बना। ठीक है, तो अगर हम इसको भी तोड़ेंगे, मान लीजिए आपसे अगर तोड़ने के लिए कहा जाए कि आपको श भी तोड़ना है, कभी कभी वो आपसे इस तरीके से भी पूछ लेता है, क्योंकि आपको पता है इसका मतलब पूरा है, यानी इसमें स्वर सम्मिलित है। अगर हम इसको स्वर रहित कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा क, श और अ हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे त्र होता है, त्र में आप देख रहे हैं त्र, त और र का उच्चारण हो रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा त प्लस र। जब हम इस र को भी तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा त प्लस र प्लस अ। तो इस तरीके से हमारे जो ये संयुक्ताक्षर होते हैं वो इस तरीके से टूटकर बनते हैं। ऐसे हमारा ज्ञ होता है, ज्ञानी यानी कि जो होता है ज होता है, और हमारा इया, इया होता है, इसमें कुछ लोग सोचते हैं अड़े खाली, नहीं अड़े खाली नहीं होता, इया होता है। सही जो इसका उच्चारण होता है वो होता हमारा इया, लेकिन जब हम इस इया को भी तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा अ हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा अ हो जाएगा। अब आप बात करते हैं श, श्रमिक की, तो आप इसमें देख रहे हैं श, शलजम वाला और र का उच्चारण हो रहा है, और जब हम इस र को भी तोड़ देंगे तो क्या होगा हमारा श प्लस र प्लस अ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे व्यंजनों का इस तरीके से हम इनका उच्चारण करते हैं। चलिए, इनका उच्चारण की बात हो गई है, इनके बारे में बात हो गई है, क्योंकि मिश्र होते हैं इसलिए हम इनका उच्चारण स्थान नहीं बता सकते। हाँ, हो सकता है इनका उच्चारण स्थान है, लेकिन हम किसके आधार पर कहेंगे, इनके आधार पर हम इनका उच्चारण जो स्थान है वो हम बताते हैं या कह सकते हैं। चलिए, अगर हम चलते हैं द्विगुण के बारे में, द्विगुण व्यंजन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, द्विगुण व्यंजन के बारे में बात करते हैं। भाई द्विगुण से आप समझ रहे हैं, द्विगुण क्या होता है, द्विगुण जो व्यंजन होता है हमारा दो प्रकृति वाला
होता है। इसके अलग अलग नाम है। जो क्वेश्चन जो प्रश्न होते हैं वो हमारे इस तरीके से पूछा जाता है। चलिए तो हमारा पांचवा हिस्सा है इसका द्विगुण। नवनिर्मित, उच्छिप्त, उच्छिप्त के नाम से भी आता है। उच्छिप्त का मतलब होता है झूठा, और एक होता है ताड़न जात। ताड़न जात का जो अर्थ होता है वो होता है पिटे हुए, ठीक है जी। और नवनिर्मित यानी कि जो नए बने हैं, और द्विगुण यानी के पास जिनके पास दो प्रकृति होती है, दो तरह की प्रकृति होती है। अगर मैं इनकी बात करूं तो ये होते हैं हमारे पास दो। ये हमारे पास होते हैं दो, ठीक है। ये जो दोनों के दोनों हैं, जब हम इन दोनों की बात करते हैं, अगर हम इसकी परिभाषा दें तो हम इसे परिभाषा देते हैं समय ये बोलते हैं, जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ ऊपर मूर्धा को छूते हुए, ऊपर मूर्धा को स्पर्श करते हुए धड़ाम से यानी तुरंत नीचे गिरती है। तो इसलिए इन्हें कहा जाता है नवनिर्मित या द्विगुण व्यंजन। आप बोल के देख लीजिए, ड और ढ। तो जब आपने बोला तो आपको क्या लगा, आपकी जीभ ऊपर गई, मूर्धा से मिली, और मूर्धा से आकर धड़ाम दिसी, आपकी जीभ जो है वो नीचे गिर गई। तो इसलिए इन्हें कहा जाता है हमारे नवनिर्मित, द्विगुण, उच्छिप्त और ताड़नजात वर्ण। अब जो इन ये जो वर्ण हैं, इन दोनों वर्णों की एक विशेषता होती है, इन्हें द्विगुण क्यों कहा जाता है वो मैं बता देती हूँ आपको। पहला इनके अंदर गुण है कि जो आपने ट ठ ड वर्ग पढ़ा, आपने ट वर्ग पढ़ा है, ट वर्ग में आपने पढ़ा ट ठ ड ढ और ण, ठीक है। ये जो दोनों हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम इन दोनों को इसकी जगह नहीं रख सकते, रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं, ये दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं यानी एक दूसरे से मिलते जुलते, सिर्फ इनमें एक अंतर है, सिर्फ इस बिंदी का अंतर है, और इसलिए इन्हें अलग रखा गया है, इन्हें द्विगुण कहा गया है। ये जो दोनों जो द्विगुण हैं, ये द्विगुण इसलिए हैं क्योंकि इन्हें इनका भी प्रयोग कर सकते हैं और इनका भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों प्रकार के शब्दों में इनका प्रयोग होता है। इनको हम इनके स्थान पर रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं, लो भाई हमने इनको यहाँ पर रख लिया, ठीक है भाई, हमने इनको यहाँ पर रख लिया। लेकिन जब इनके प्रयोग की बात होती है किसी भी शब्द में तो इनका अर्थ बदल जाता है। कैसे, देखिए, याद रखिएगा, जब भी हम इन दोनों शब्दों की बात करते हैं, जब भी हम इन दो वर्णों की बात करते हैं तो इन वर्णों से शुरू होने वाले जो शब्द होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, जैसे कि डमरू, डलिया, डाकिया, और क्या कह सकते हैं, ढक्कन, ढोल, और क्या कह सकते हैं, और भी बहुत सारे नाम होते हैं। तो आपने एक बात नोटिस करी, जब हम इन दोनों का प्रयोग कर रहे हैं, ये हमेशा याद रखेगा, बहुत बहुत खास नियम है, जब भी हम इन दो शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये दो शब्द हमेशा किसी भी शब्द के प्रारंभ शब्द के रूप में, प्रारंभ वर्ण के रूप में प्रयोग होते हैं। आपने देखा ये जो दोनों हैं, आपने देखा यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ये जो है सिंपल यानी साधारण वाले जो ये आपके ड और ढ है, हमेशा शब्द के प्रारंभ में प्रयोग होते हैं, ठीक है। चलिए हम दूसरी बात करते हैं। अब हमारा तो दूसरा रूप आता है, वो आता है हमारा इस तरीके का। अब हम बात करते हैं इन दोनों के बारे में। जब हम इन दोनों के बारे में बात करते हैं तो जब आप इन देखते हैं, इस तरह के शब्द आपको कहाँ मिलेंगे, जैसे आपने देखा सड़क, भड़क, ठीक है जी, भड़क, भड़क, तड़क, ठीक है जी। फिर हमारे ढ पे आ जाइए, जैसे चढ़ना, पढ़ना, रूढ़, इत्यादि शब्दों में इनका प्रयोग होता है। अब आप क्या देख रहे हैं, इनका जो प्रयोग है हमेशा शब्द के कहाँ हो रहा है,
पहले अक्षर को छोड़कर के बाद के वर्ण में इसका प्रयोग हो रहा है, यानी कि आपको इन दोनों के बीच का अंतर पता होना चाहिए। ये नहीं कि दोनों सिमिलर हैं, इनको इनकी जगह रख सकते हैं तो इसका मतलब है इनका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन नियम के आधार पर। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो हमारी हिंदी भाषा है वो वैज्ञानिक भाषा है। वैज्ञानिक क्यों है? क्योंकि वो हर एक नियम को प्रूफ करती है, सिद्ध करके दिखाती है। जैसे यहाँ पर उसने करके दिखाया, मान लीजिए इतना भी अंतर है तो उसने उस अंतर को भी सिद्ध करके बताया कि हाँ इस तरीके से सिद्ध होता है। ऐसा नहीं इसमें अपवाद नहीं, अपवाद हो सकते हैं, लेकिन कुछ शब्द होंगे जो अपवाद होंगे, लेकिन मैं मोस्टली 99% कह सकती हूँ कि हाँ ये दोनों शब्दों का उच्चारण और जो इनका वर्ण होता है, जो शब्दों में प्रयोग होता है, वो इस तरीके से होता है। आप इसको देख सकते हैं, याद रखिएगा, जब हम दो सिंपल वर्णों की बात करते हैं तो हमारे वो शब्द के प्रारंभ में प्रयोग होते हैं, और जब हम द्विगुण की बात करते हैं हमेशा शब्द के बीच में या फिर बाद में प्रयोग होते हैं। चलिए ठीक है, इसके आगे हम बात करते हैं अगली की। तो चलिए आगे हम बात करते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। हमने बात नहीं की कि व्यंजनों का जो वर्गीकरण है, हम लोगों को एक प्रकार से तो हमने वर्गीकृत कर दिया कि भाई इतने ये हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं, हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब हम बात करते हैं कि व्यंजनों का उच्चारण हम किन किन बेसिस पर कर सकते हैं। तो जैसे हमने स्वरों को स्वरों का वर्गीकरण किया था, हम ऐसे ही यहाँ पर व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे। जैसे हम व्यंजन का वर्गीकरण जो होता है हमारा दो प्रकार से होता है, जो व्यंजन का जो वर्गीकरण होता है वो हमारा दो प्रकार से होता है। देखिए पहला होता है आपका घोषत्व के आधार पर, और दूसरा होता है हमारे प्राणत्व के आधार पर। ठीक है जी, ये होता है हमारे प्राणत्व के आधार पर। जो पहला पार्ट होता है हमारा घोषत्व के आधार पर, और दूसरा होता है हमारा प्राणत्व के आधार पर। जब हम घोषत्व के बारे में बात करते हैं तो हमारा ये भी दो भाग में बढ़ जाता है, अघोष और दूसरा बढ़ जाता है हमारा सघोष। ठीक है, अघोष में और सघोष में। अघोष का अर्थ होता है जब हमारे स्वर तंत्र में कंपन होता है। ठीक है, इसका अर्थ होता है स्वर तंत्र में कंपन का होना, कंपन का ना होना। ठीक है, कंपन का ना होना अर्थ होता है इसका। अ से मतलब नहीं, और घोष मतलब घर्षण। घर्षण कह सकते हैं कि अ यानी कि नहीं, और घोष यानी कि आपका हो गया घर्षण। ठीक है, जिसमें घर्षण नहीं होता है वो होते हैं हमारे अघोष। जिनमें घर्षण नहीं होता हमारे होते हैं अघोष। अगर हम बात करें तो इसमें होता है आपका हर वर्ग का पहला दूसरा। हर वर्ग का पहला और दूसरा होता है, और साथ में आपके होते हैं कौन से होते हैं, स श और स। ये जो होते हैं ये भी आपके अघोष में ही आते हैं। जब इनका उच्चारण करते हैं तो आपको क्या लगता है, इसमें जो घर्षण होता है वो घर्षण नहीं है। आपने बोला स स स तो घर्षण नहीं हो रहा है। और हर वर्ग का पहला दूसरा कैसे, चलिए वो मैं आपको बताती थी। आपने कचट तप याद किया था ना, कचट तप। ठीक है, तो आप इसमें यहाँ पे सभी लिख लीजिए, सॉरी क ख ग घ ण च छ ज झ इ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब सॉरी ब भ म। तो चलिए ये हमारा जो हमने उन 25 व्यंजनों के बारे में बात की थी उनके बारे में बात करते हैं। यहाँ से हमारे स्पर्श व्यंजन से हमारे इनके बारे में बात कर लेते हैं। बाकी के बारे में हम यहाँ हम बोल चुके हैं कि जो हमारे बाकी के ऊष्म व्यंजन थे और जो अंतस्थ व्यंजन थे उनके बारे में हमें बात कर रहे हैं। उसने कहा हर वर्ग का पहला दूसरा, हमने इन वर्गों के बारे में बताया था आपको, ये क वर्ग है, ये च वर्ग है, ये आपके वर्ग बताए थे मैंने। ये क्या होते हैं, आपके वर्ग होते हैं, और ये बाकी जो होते हैं आपके स्थान होते हैं, कहूँ वर्ण स्थान होता है आपका, ये द्वितीय होता है, यह आपका तृतीय है, यह आपका चतुर्थ यानी चौथा, और यह आपका पंचम यानी कि आपका पांचवा। ठीक है, यह आपका प्रथम है।
भाई जब हमने बात की थी इन वर्गों के बारे में, तो हमने वर्ग के बारे में बोला था कि हमारे वर्ग हैं, ठीक है, तो हमने इस तरीके से इनको बताया था। तो अब हम बात कर रहे हैं घोषत्व के आधार पर इन व्यंजनों का वर्गीकरण कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं अघोष के बारे में, जिसमें घर्षण नहीं होता, यानी कि स्वर तंत्र में कंपन ना होना जो होता है हमारा अघोष होता है, जिसमें हमने बताया हर वर्ग का पहला और दूसरा। आप बोल के देख लीजिए क ख, तो आपको लग रहा है गले में जो, यानी कि जो स्वर तंत्र है आप में, उसमें कंपन हो रही है, नहीं हो रहे। स्वर तंत्र से मतलब है हमारा जो स्वर तंत्र है, ठीक है, जो हमारे फेफड़ों से ऊपर का जो भाग होता है और गले से नीचे का जो भाग होता है हमारा स्वतंत्र होता है, स्वर तंत्र होता है। जो स्वर तंत्र है उसमें अगर कंपन नहीं हो रहा है तो वो हमारे अघोष होते हैं। जैसे हमने कहा हर वर्ग का पहला दूसरा स, सॉरी श, स, स, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो ये होता है हमारे अघोष, यानी कि इनमें हमारे स्वतंत्र में कोई कंपन नहीं होता, स्वर तंत्र में कोई कंपन नहीं होता। यानी कि इन दो की बात कर रहे हैं, पहले और दूसरे की बात कर रहे हैं हर वर्ग के। चलिए अब बात करते हैं सघोष की। जो सघोष होते हैं वो होते हैं हमारे जिनके उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन होता है। इसमें आपके कौन कौन से आ जाते हैं, इसमें आपके आ जाते हैं तीसरा, चौथा और पाँचवा, यानी कि लास्ट के तीनों आ जाते हैं, और साथ में आपके आ जाते हैं य, र, ल, व और ह। ठीक है, कैसे हमने कहा स्वर तंत्र में कंपन होता है, और हमने कहा हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है, और हमने ये भी कहा य, र, ल, व और साथ में ह भी। आप इन्हें बोल के देखिए, आपने बोला ग, ग बोलिए, ग स्वर तंत्र में कंपन हो रहा है, हो रहा है, ग हो रहा है, ड हो रहा है, लेकिन आपने जब क और ख बोला ऐसा हो रहा था, नहीं हो रहा था। ऐसे अगले में चलिए, आपने बोला च, छ, नहीं हो रहा, लेकिन आपने बोला ज, झ, इया, तो आपको क्या हो रहा, कंपन महसूस हो रहा है। फिर आपने बोला ट, ठ, नहीं हो रहा, लेकिन आपने बोला ड, ढ, ण, तो आपको कंपन हो रहा है। लेकिन आपने बोला त, थ, इतना नहीं हो रहा, लेकिन आपने बोला द, ध, न, लेकिन आपको कंपन हो रहा है। फिर आपने बोला प, फ, लेकिन कंपन नहीं हो रहा, लेकिन आपने बोला भ, म और म, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, आपके स्वर तंत्र में कंपन हो रहा है। इसलिए इन्हें कहा जाता है हमारा सघोष, यानी कि जिनके स्वर तंत्र, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन होता है। तो हर वर्ग का तीसरा, चौथा और हमारा जो होता है पाँचवा होता है, ये तीनों जो होते हैं हमारे, ये हमारे सघोष होते हैं। ठीक है, ये हमारे सघोष होते हैं, और साथ में हमारे अंतस्थ व्यंजन और हमारा जो ऊष्म व्यंजन है उसका ह भी जो होता है वो सघोष में उच्चारित होता है। आप बोल के देख लीजिए, आपने बोला य, र, ल, व, आपने जब इनको बोला तो आपको लगा ना कि अंदर से ही थोड़ा सा कंपन हो रहा है, बिल्कुल ऐसी। आपने बोला ह, तो ह में भी क्या हो रहा है, आपको ज़्यादा कंपन लग रहा होगा। तो इस तरीके से हमारे घोषत्व के आधार पर आ जाते हैं। फिर हम बात करते हैं प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर ये हमारे दो प्रकार का, एक होता है हमारा अल्प प्राण और दूसरा होता है हमारा महाप्राण। सब कुछ पहला होता है हमारा अल्प प्राण, दूसरा होता है हमारा महाप्राण। जो अल्प प्राण होता है उसमें हमें कम वायु की आवश्यकता होती है, ठीक है, कम वायु की आवश्यकता होती है। और जो महाप्राण होता है उसमें आप महा से आप समझ रहे हो, महा यानी कि ज्यादा और अल्प माने कि कम। तो महा मतलब हो गया आपको ज्यादा, यहां पर क्या होगा, आपको ज्यादा वायु की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो आपको यहां पर क्या होगा, ज्यादा वायु की आवश्यकता होती है और यहां पर कम वायु की आवश्यकता होती है। तो चलिए हम बात करते हैं प्राणत्व के आधार पर अल्प प्राण और होता है हमारा महाप्राण। तो अल्प प्राण जो होते हैं इसमें होते हैं हमारा पहला, तीसरा और पांचवा। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा होता है, पहला, तीसरा और पांचवा होता है। ठीक है भाई, हर वर्ग का होता है हमारा पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है ना, यहां हम लिख देते हैं इसको हर वर्ग का। आप कंफ्यूज मत हो जाना कि कभी इधर का इधर देख लो, ठीक है, तो ये होता है हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। जो व्यंजन होता है वो व्यंजन होता है हमारा अल्प प्राण में आता है, और साथ में आपके कौन से आते हैं हमारे, ये हो जाते हैं हमारे जितने भी य,
र ल व, जो अंतस्थ व्यंजन है वो भी कहाँ हमारे अल्पप्राण में आते हैं। जब हम बात करते हैं महाप्राण की, तो महाप्राण में आपका आ जाता है हर वर्ग का। अब हमारे कौन से बच गए, दूसरा और चौथा बच गया, तो हर वर्ग का क्या हो जाएगा, दूसरा और चौथा व्यंजन हो जाता है हमारा, हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन होता है। और साथ में आपके कौन से आ जाते हैं, आपके सारे ऊष्म व्यंजन इसी में आ जाते हैं, स श स और आपका ह। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि व्यंजन का अगर वर्गीकरण करते हैं इनके आधार पर, तो हमारा इस तरीके से होता है, घोषत्व यानी अघोष यानी कि जिसमें स्वर तन में कंपन नहीं होता, सघोष जिसमें कंपन होता है, अल्पप्राण जिसमें कम वायु की आवश्यकता होती है जिनके उच्चारण में, और महाप्राण जिनके उच्चारण में ज़्यादा हवा की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप अपने व्यंजन का वर्गीकरण से कर सकते हैं। अगर आपको ये अच्छे से याद हो जाते हैं तो आप एग्ज़ाम में आराम से पूछ सकते हैं। एक चीज़ और नोट कीजिएगा आप लोग कि जितने भी स्वर होते हैं, यानी कि जो सभी स्वर होते हैं, वो जो होते हैं सभी स्वर जो होते हैं वो आपके सघोष होते हैं। सघोष होते हैं यानी कि जब उनका उच्चारण करते हैं तो उनका उच्चारण करते समय आपको हमेशा कंपन महसूस होगा, ठीक है। जैसे आप ओ होता है, ओ हमारा क्या है, ओ हमारा एक क्या है आपका स्वर है, जब आप उसको बोलते हैं ना ओम, तो आप क्या देखते हैं, आप उसका जब उसको उच्चारित करते हैं, जब ओम का उच्चारण करते हैं, उच्चारण करते करते आपकी पूरी बॉडी में वाइब्रेशंस होने लगते हैं। तो इसी वजह से हमारे जितने भी स्वर होते हैं वो हमारे सघोष होते हैं। ओम सिर्फ एक एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए, बाकी जितने स्वर होते हैं वो हमारे सघोष होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।